आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि एफ ओफ एक्स जो है वो कॉन्टीन्यूस गिवन है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पे, वेयर हमें फंक्शन ये गिवन है फॉर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, देन हमें एफ ओफ पाई बाई टू की वैल्यू सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फंक्शन जो है गिवन है कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। एफ ओफ एक्स हमें गिवन है इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू है राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल है, फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। यही होती है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये तीनों आपस में इक्वल है। नाउ एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, दैट मीन्स कि एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू के लिए भी यही फंक्शन है और एक्स लेस देन पाई बाई टू के लिए भी यही फंक्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब किस फंक्शन पे फाइंड करते हैं, वो वैल्यूज पे। सपोज जैसे कि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई टू पे फाइंड कर रहे हैं, तो पाई बाई टू पे फाइंड कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो वैल्यूज जो पाई बाई टू से लेस है, दैट इज एक्स इज लेस देन पाई बाई टू। एंड सिमिलरली राइट हैंड लिमिट उस पर फाइंड करते हैं जो कि एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू है। बट यहाँ पे दोनों के लिए फंक्शन क्या है, सेम है। तो अगर हम कोई भी एक, दोनों ही से ही सेम वैल्यू आएगी, अगर हम कोई भी एक फाइंड कर लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ पाई बाई टू के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, हमें पाई बाई टू पे चेक करना है, दैट इज एफ ऑफ टू ऑफ नेगेटिव, ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। हमारे पास क्या है, सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स, सेकेंड एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन पाई बाई टू माइनस एक्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, सेकेंड ऑफ पाई बाई टू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन ऑफ पाई बाई टू और अपॉन यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू माइनस की पाई बाई टू, ठीक है। ये तो आपस में कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो, ठीक है। साइन पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो सेकेंड पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू भी क्या होती है, इन्फिनिटी। तो क्लियरली ये भी आपस में कैंसिल, दैट इज जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, ठीक है। बेसिकली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ नेगेटिव, सेकेंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, सॉरी सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई टू का डिफ्रेंसिएशन इज जीरो और माइनस एक्स का वन। यहाँ पे एल हॉपिटल रूल यूज करके हमने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ नेगेटिव माइनस ऑफ सेकेंड एक्स, अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, दैट इज सेकेंड एक्स माइनस के टेन एक्स, ठीक है, और माइनस वन है तो माइनस से जो माइनस वन है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। नाउ दिस इम्प्लाइज अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक ऑफ पाई बाई टू, और यहाँ पे भी अगेन सेकेंड ऑफ पाई बाई टू माइनस टेन ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, अगेन सेकेंड पाई बाई टू क्या होता है, इन्फिनिटी, अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दैट इज अगेन अगर हम इसको जीरो लिखें तो इन्फिनिटी इंटू जीरो, जो कि अगेन एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें इसको फिर से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ नेगेटिव, देखो सेकेंड एक्स है यहाँ पे, तो हम इसको पहले वन अपॉन कॉस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स, और टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस एक्स में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू ऑफ नेगेटिव, एलसीएम लेंगे तो वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आएगा, और बाहर एक कॉस एक्स है तो दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ अब हमें पता है कि कॉस ऑफ टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टू साइन, सॉरी वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, सॉरी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन।
तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, दैट इज वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर। नाउ हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो वन की जगह ए है और साइन एक्स बी की जगह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू ऑफ नेगेटिव वन माइनस साइन एक्स एज इट इज, और कॉस स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स। तो क्लियरली ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय टू ऑफ नेगेटिव वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स। नाउ आप टेकिंग लिमिट करेंगे तो वन अपॉन वन प्लस साइन पाई बाय टू, एंड क्लियरली साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है, वन, तो दिस इज इक्वल्स टू वन बाय टू। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, तो हमारी लिमिट क्या आ गई, वन बाय टू, तो क्लियरली ऑप्शन टू इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।